ये वीडियो है इनकम टैक्स रिलेटेड। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न करते हो और आपको रिफंड और यू आर वेटिंग फॉर योर रिफंड, बट रिफंड के बदले आपको कुछ इस तरह से मेल आता है, योर रिफंड हैज़ फेल्ड, प्लीज़ रेज अ रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट। सो इसका क्या मतलब है और ये क्यों रिफंड फेल हुआ है, उसका रीज़न इस तरह से जब मेल आता है तो मेल ये इंटीमेशन एट द रेट सीपीसी डॉट इनकम टैक्स ये ईमेल आईडी से आता है और यहाँ रीज़न भी लिखा होता है नीचे। सो पैन पैन नॉट लिंक्ड विथ योर बैंक अकाउंट, और ये आज ही का डेट है, आज ही मुझे ये मेल आया है। सो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पे लॉगिन करना है और यहाँ आपको वर्क लिस्ट पे चेक क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे आपको वर्क लिस्ट दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ योर एक्शंस में आपको यहाँ दिखेगा रीज़न क्या है। रीज़न फॉर रिफंड फेलियर, टैक्स पेयर टू सबमिट द रिफंड, सबमिट रिफंड इशू रिक्वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग अ वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल। इट मीन्स मेरा बैंक अकाउंट डिटेल वैलिड नहीं था, इसलिए मेरा रिफंड तो प्रोसीड हुआ है बट जो मुझे पैसे मिलने वाले थे इनकम टैक्स रिटर्न के, वो मेरे बैंक अकाउंट वैलिड नहीं होने की वजह से वो रिफंड नहीं मिला। तो इसे वैलिड कैसे करना है? आप जब लॉग इन करते हो इनकम टैक्स वेबसाइट पे तो डैशबोर्ड पे ही आपको स्टेटस दिखेगा, ये इट्स फिल्ड सक्सेसफुली और आज के डेट का यह प्रोसेसिंग कंप्लीशन भी दिखा है 26 फेब्रुअरी 2022। बट मुझे जो मनी मिलने वाला था, पैसे मिलने वाले थे, वो रिफंड अवेटेड, यहाँ लिखा है रिफंड अवेटेड। इट मीन्स रिफंड मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स वैलिड नहीं है। तो इसे वैलिड करने के लिए आपके प्रोफाइल के नीचे बैंक अकाउंट डिटेल्स होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और मैंने क्या गलती किया था वो भी मैं बताता हूँ। मेरा पहले दो बैंक अकाउंट था और दो बैंक अकाउंट में से एक मैंने ऑलरेडी, जो मेरा यूज़ नहीं है वो बैंक अकाउंट मैंने ऑलरेडी रिमूव किया था और जो वैलिड है वो मैंने रखा था। बट यहाँ एक बटन है नॉमिनेट फॉर रिफंड, ये मेरा बंद था, बंद मीन्स ये डिसेबल था, तो इसे एनेबल करना है ऐसे कि ये ब्लू दिखना चाहिए। इट मीन्स ये एनेबल है और बस इतना ही मुझे करना पड़ा और उसके बाद मैंने रिफंड रीइशू किया। कैसे रीइशू किया? तो आपको ये वर्क लिस्ट में आना है और यहाँ जो दिया है रिफंड रीइशू पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो आएगा इस तरह से, रिफंड रीइशू वाला। सो क्रिएट रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये नया विंडो दिखेगा जिसमें आपको फाइव स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका रिफंड रीइशू हो जाएगा। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद सेकेंड स्टेप पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखेगा, तो ये भी रेडियो बटन आपको क्लिक करना है। आपका बैंक अकाउंट नंबर ये सब वैलिडेट करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब वैलिडेट करना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये विंडो पे आपको कैसे ई वेरीफाई करना है, फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लिक करना है जो आपके रजिस्टर आधार आधार कार्ड लिंक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी के लिए एक ऐसा विंडो ओपन होगा जहां आपको जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी मिलेगा, वो यहां सबमिट करने के बाद ये नेक्स्ट वेरीफाई हो जाएगा और इस तरह से आपका सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक ईमेल आएगा, मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आएगा। सो इस तरह से रिफंड रीइशू करना है। होप ये वीडियो आपको काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।